हाय गाइस, मैं हूँ प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। भैया आज का व्लॉग सही में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो जो सेडान का रुतबा जो चल रहा है, दबदबा जो इंडिया में वापस लौट के आ गया था, मतलब मालूम ही यार, वरना ने जो है सेडान्स का जो एक टाइम था ना, वो वापस क्रिएट करके रख रखा था। SUVs का जो डोमिनेंस था ना, वो बहुत बढ़ चुका था इंडियन मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं वरना ने उसको सेटल डाउन करके रखा था। फिर उसके बाद वर्टस आई, लाविया आ गई, और अब क्या अच्छा खासा कॉम्पिटिशन आ गया सेडान सेगमेंट में भी, चाहे होंडा सिटी की बात कर लो वगैरह वगैरह। इसी बीच आ गई थी होंडा वरना का न्यू फेसलिफ्ट कह दो या न्यू जनरेशन ही कह दो, बिकॉज डीजल तो अब चले ही गया है जी, आपसे पेट्रोल ही मिलने वाला है। तो आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है बिकॉज अगर आप वरना खरीदने का प्लान कर रहे हो लेकिन टॉप मॉडल जितना लेने का बजट नहीं हो पा रहा था, अगर वरना चाहिए विथ फीचर्स के साथ, देन भैया हुंडई ने निकाल रखा है वरना के अंदर एस वेरिएंट। जी हाँ, ये सेकेंड बेस वेरिएंट है, यानी बेस से ऊपर आता है, और मैं सही बता रहा हूँ, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है, आप इसको कह सकते हो। नेसेसिटी लेवल के जितने फीचर्स होते हैं ना, सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक एक करके उन सब के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल प्राइसिंग से ही बात कर लें अगर हम इसकी, तो 12 लाख रुपए जो है एक्स शोरूम चली जाती है ये, और ऑनरोड प्राइस जो है आप प्रिंस हुंडई कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 12 लाख रुपये आपको एक्स शोरूम पड़ जाती है वरना एस पेट्रोल मैनुअल वेरियंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। ऑल राइट, तो जी सबसे पहले चाबी से बात करें तो जो एस वेरियंट के अंदर की देखने को मिलेगी वो नॉर्मल वैसी ही की है, इसमें कुछ चेंज करानी है, नॉर्मल डोर लॉक अनलॉक करना है, एंड होल्ड करके रखोगे तो जो है बूट रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक नहीं आता, पर उसका मैकेनिज्म ऐसा सेट करा है कि वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, वो आगे बात करेंगे। बाकी हाँ, फिजिकल की मिलेगी बिकॉज इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है इस वेरियंट में नहीं मिलता है, तो आपको फिजिकल की लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी हाँ, DRLs वगैरह सब प्रॉपर सिस्टम यहाँ लगा के दिया है, LED आपको हेडलाइट सेट देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स जो है वो हेलोजन दे के रखे, बाकी फ्रंट की जो ग्रिल है वो भी आपको बहुत बढ़िया पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी, तो उसमें कहीं भी जो है कमी पेशी जो है हुंडई ने करी नहीं है, वो आपको यहाँ पर जो है बरकरार बढ़िया ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फ्रंट हेडलाइट सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम गाड़ी के साइड लुक्स की बात करें तो 4535 mm की लंबाई है, 1765 mm की चौड़ाई है, 2670 mm का व्हील बेस जो है वरना ऑफर कर देती, जो कि मैं बोलूंगा काफ़ी अच्छा एक्सलेंट लेवल का व्हील बेस है। ठीक है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छे खासे लेवल का मिल जाता है, उसमें कोई ऐसा जो है कमी आपको लगने नहीं वाली। और वहीं अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, 185/60R15 जो है टायर प्रोफाइल है, 185/60R15 टायर प्रोफाइल है। अब बेसिकली ये प्रॉपर अलॉय व्हील्स तो नहीं कहेंगे, पर हाँ वैसा लुक मिल जाता है। एंड 45 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी जो एवरेज क्लेम करती है माइलेज, वो ARAI टेस्टेड है, अराउंड 18-19 का जो है एवरेज जो कंपनी है क्लेम करती है। बाकी ब्लैक कलर में जो उसका स्टैंड है ना, काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से कुछ जो साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, यहाँ पर LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे ओ आर एम उसके ऊपर, जो कि बढ़िया काफ़ी अच्छे तरीके से लगा के दे रखे, मतलब बढ़िया लगते देखने में। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको सीन देखने को मिल जाता है। अब साथ ही में भैया रियर लुक से बात करें तो रियर जो है वही सेम कनेक्टेड टेल लाइट्स का जो फीचर आजकल सारी गाड़ियों में आ गया, पहले हुंडई ने वेन्यू से स्टार्ट करा था, फिर वरना में दिया, अब क्रेटा में भी दे दिया, तो मतलब बढ़िया लगती है, रियर लुक से भी बढ़िया लगती है। LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके अंदर में, इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन ही प्रोवाइड करे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके का ओवरऑल सेटअप देखने को मिलेगा, वरना की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पर, हुंडई का लोगो है, और बढ़िया शार्प एजी लुक निकल के आता है रियर से गाड़ी का देखने में। रिवर्स पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है प्रॉपर, एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट के अंदर आई थिंक नहीं प्रोवाइड करा है। यहाँ पर रियर में डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, स्टॉप लैम्प की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। अब बूट मैं आपको बोला था ना, बूट आप ऐसे जस्ट की प्रेस करके रखोगे अनलॉक हो जाएगा, मैकेनिज्म थोड़ा ऐसा करा हुआ है कि वो ऑटोमेटिक लगता है कि इलेक्ट्रिक टेल गेट जैसा ओपन हो रहा है। 528 लीटर की बूट स्पेस है, वन ऑफ दी सेगमेंट में बहुत अच्छी खासी लेवल की बूट स्पेस वरना ऑफर कर रही है। ऑल्सो स्लाविया वर्टस भी अच्छे खासे लेवल की स्पेस ऑफर कर देती है, सेडान हमेशा से जो बूट स्पेस है उनमें कभी कमी लगती नहीं है। 528 लीटर्स की जो बूट स्पेस है हुंडई वरना ऑफर करके दे देती है, तो अच्छी एम्पल अमाउंट की बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब मेन हम बात कर लेते हैं इसके रियर पैसेंजर साइड एरिया के बारे में, कि पीछे से क्या क्या कम्फर्ट है और फीचर्स के बारे में आगे। ऑल राइट, सो रियर पैसेंजर साइड एरिया के बारे में बात करें तो डोर हैंडल्स काफ़ी सही लगते हैं यार, ये वाली वरना के जो डोर हैंडल्स दिए ना काफ़ी सही लगे मेरे को। तो कुछ इस तरीके की जो डोर ट्रिम है इसके अंदर हुंडई ऑफर कर रहा है, अगेन सेम ड्यूल टोन, वाइट एंड ब्लैक का ड्यूल टोन देखने को मिलेगा, एंड एस वेरियंट सही में यार मतलब लेने लायक वेरियंट बनाया है हुंडई ने। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट टच भी नहीं है, हार्ड टच यहाँ मिलता है पार्टनर्स के कंट्रोल से,
स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, सैंडल सेलो फिनिश यहाँ मिल जाती है, ठीक है। बाकी रियर स्पेस के बारे में बात करी जाए तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कंफर्ट काफ़ी एक्सलेंट अप कर दिया है, अंदर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा बना दिया है। 6 एयरबैग सेफ्टी में जो है बेस मॉडल से ही Hyundai अपनी गाड़ियों में दे रही है, ठीक है। रियर में AC वेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं, 2 सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है फोन वगैरह रखने के लिए। बाकी यहाँ कुछ इस तरीके की पासल्टर है एंड यहाँ पीछे हेलोजन लाइट मिल जाती है। तो भैया अगर टॉप वेरियंट का बजट नहीं है तो मैंने जैसा बताते आ रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आर्मरेस्ट भी मिल जाता है लेकिन ये प्लास्टिक की वजह से दिखा नहीं पाऊंगा। हेडरेस्ट जो है सारे एडजस्टेबल Hyundai इसके अंदर ऐड करके दे देता है, ठीक है। तो ये कुछ रियर का हिसाब हो गया, अब चलते हैं आगे फ्रंट एरिया की तरफ, वहाँ से बात करते हैं क्योंकि वो चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग है। वहाँ से अब देखा तो वो जो है क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से बात करते हैं, या तो इस तरीके की जो डोर ट्रिम है यहाँ पर आपको ऐसे वेरिएंट में देखने को मिलेगी। ड्राइवर साइड के लिए यहाँ पर चारों पाउंड स्क्रीन से पाउंड लॉक अनलॉक करना है, डोर लॉक अनलॉक करना है, लेफ्ट एंड राइट वाल्व को जो है एडजस्ट करने के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच नहीं है, साइलेंट सेल्फ फिनिश यहाँ है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ है। सीट जो है आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल रिक्लाइनेबल देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर बोनट एंड फ्यूल गेज खोलने का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। अब आपको शौक लगेगा इंटीरियर देख के, ठीक है। ये है बेस से एक मॉडल अप वेरिएंट का इंटीरियर। भाई इस गाड़ी के अंदर आपको सारे टॉप वाले फीचर्स लगभग मिल ही जाते हैं एक्सेप्ट द सनरूफ एंड थोड़े बहुत LED लाइट सेटअप वगैरह, ठीक है। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें नहीं आता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम चाबी लगा के कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये देख लो भैया, ये है S वेरिएंट भैया, Hyundai Verna का S वेरिएंट ये है, ठीक है। आई थिंक इसकी स्क्रीन का वही लोचा है कि इन्होंने बंद कर रखी है, यहाँ से जो उसका जो फ्यूज़ है वो हटा रखा है, तो स्क्रीन में भी नहीं बता पाऊंगा। 8 इंचेस की जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसके अंदर Hyundai ऑफर कर देती है, सेम UI वगैरह, सेम Android Auto एंड Apple CarPlay दोनों को सपोर्ट करती है। ऑटोमेटिक AC इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो कंट्रोल्स अपर वेरिएंट्स में आते हैं, एक सी टाइप, एक USB और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है एंड कुछ इस तरीके की MID यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। फ्यूल गेज मीटर यहाँ है, इंजन टेम्परेचर मीटर यहाँ मिल जाता है एंड कुछ तरीके के स्टेयरिंग व्हील इस S वेरिएंट ऑफर कर देता है। यहाँ पर अपने जो MID कंट्रोल से वो आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो फ्यूल इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल डेटा, ड्राइव इन्फो वगैरह, उसके कंट्रोल से सिंस रिफ्यूलिंग टाइम, एक्यूमुलेटेड इन्फो, उसके कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ऑटो स्टॉप वगैरह भी मिल जाता है। ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर सेटिंग्स, लाइट, डोर्स, कन्वीनियंस, उसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब अपने को इधर मिलता है। अभी लाइट्स हम बंद कर देते हैं, या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको S वेरिएंट से ही Hyundai ऑफर करके दे रही है भैया, ठीक है। ऑफकोर्स यार 14 लाख रुपये पे कर रहे हो तो मिलेंगे। एडजस्टेबल आमरेस मिल जाता है, अच्छे खासे लेवल पे एडजस्ट हो जाता है। बाकी थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ आमरेस के अंदर मिल जाती है एंड बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड का डिजाइन काफी अच्छा है, सेम ड्राइवर ओरिएंटेड रखा हुआ है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो कुछ इस यहाँ पर ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट लेवलर भी जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर मोड्स वगैरह चेंज करना, फोन उठाना, डिक्लाइन करना, उसके बटन एंड यहाँ पर जो अपने क्रूज कंट्रोल है उसकी सेटिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल भी आपको S में मिल रहा है, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का जो बटन है वो भी मिल जाता है। यहाँ पर अपने को ग्लव बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगेन यहाँ सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलता, मैनुअल ही आयर विम्स के अंदर दिया हुआ है Hyundai ने एंड यहाँ पर आपको सनब्लाइंड विथ मैग्नेटिक मिरर मिल जाता है, 2 LED लाइट्स का सेटअप यहाँ मिल जाता है एंड अगेन यहाँ पर सनब्लाइंड मिल जाता है विथ मैग्नेटिक मिरर, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर आता है। तो कैसा लगा S वेरिएंट, अगर आपको पसंद आया, अगर लेने का प्लान कर रहे हो कोई भी Hyundai की कार तो प्रिंस Hyundai की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार व्लॉग या बाइक व्लॉग के साथ। टिल देन पीस आउट, डू ड्राइव सेफ, वेयर सीट बेल्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।